फ्रेंड्स, मैं विनम्र। देखिए आज बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेयर एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमें सेक्टर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है इसमें जरूर जुड़िए और ब्लॉग है www.blogspot.com। सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये व्हाट्सअप नंबर भी है 9699646408। देखिए यहाँ मैं आ गया हूँ अपने YouTube चैनल में, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारी तरफ से। हम चले जाते हैं अपने चार्ट की तरफ। देखिए इंटरडे में मैंने आपको आज क्या डेट है, हाँ देखिए मैंने आपको 10 बजे के बाद सुबह मैसेज डाला था टेलीग्राम में, क्या बोला था कि शॉर्ट निफ्टी टुडे आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में शॉर्टिंग करूंगा और 10 बजे के बाद मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट करने की। ठीक है, 10 बजे के बाद आप ये देखिए, ये है 10 बजे के बाद का कैंडल। 10 बजे के बाद कितना अच्छा नीचे दिया, निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी दोनों ने दिया है, यहाँ पर दोनों ने नीचे दिया। फिर उसमें मैंने क्या लिखा, बट अकॉर्डिंग टू अवर टेक्निकल सेटअप, टेक्निकल सेटअप के लिए टेक्निकल सेटअप ने देखो यहाँ पर हमें बाई सिग्नल दिया और ऊपर कितना अच्छा चला है, यहाँ सेल सिग्नल दिया था नीचे गिराया, यहाँ बाय दिया, यहाँ भी हमें दिया ही है। अब यही चार्ट में डेली पे भी देखूंगा। डेली पे देखने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, देखिए टेलीग्राम चैनल है हमारा हेजिंग स्ट्रेटेजी, इसमें जरूर जुड़िए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आप स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, खुद से जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा ब्लॉग है www.blogspot.com, इसमें भी सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलते हैं। आप एल्गो सीखना चाहते हैं उसके सब कुछ, अभी इसमें फॉर्मूले वार्मूले आ जाएंगे, एल्गो के भी फॉर्मूले सब आ जाएंगे, यहाँ पर सारे आपको सब तरह के आपको यहाँ पर ये कुछ लिंक्स हैं जिनका आप यूज़ ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। चलिए चार्ट देख लेते हैं एक बार, डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 30,900 के आसपास, एटलीस्ट 31,000 के आसपास शॉर्ट निकला है बैंक निफ्टी। उसके बाद से कितना अच्छा नीचे इसने दिया, आप देख लीजिए 31,000 से शॉर्ट निकला है। और मैंने तो आपको 32,000 के आसपास शॉर्ट भी बोला था, इस लेवल के आसपास शॉर्ट बोला था। अगर आपको ध्यान होगा तो पुराने वीडियो आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ओके, तो अभी हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। ये ऑप्शन चेन को हम ले लेते हैं पेंट में, थोड़ा समझने के लिए ईजी रहेगा। हमने पेंट में ले लिया। एट द मनी पर आ जाते हैं, 29,177 हमारा एट द मनी मीन्स 29,200 ये आ गए। हम कॉल साइड देख लेते हैं, देखिए कॉल साइड बाइंग है, ये काफ़ी अच्छी बाइंग बोलेंगे इसे। फिर इधर भी बाइंग है, ये सब कॉल्स में आज बाइंग बनी है 28,600। ओके, ऊपर की तरफ देखें तो ये कौन सा लेवल है, 29,800। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो बनता है यहाँ 29,500 में, फिर आ रहा है 29,200 में, 29,000 में भी ओपन इंटरेस्ट है। ओके, 41 लाख नई कॉलें ऐड भी हुई हैं यहाँ पर। अभी हम एक काम करते हैं, पुट साइड का डेटा भी देखेंगे थोड़ा सा। कॉल साइड का डेटा, पुट साइड का डेटा देख लेते हैं एक बार। 29,200 में क्लोजिंग दिया है पुट साइड में, यहाँ पर पुट राइटिंग है, ये क्या है 29,000। ओके, 28,900 इधर सब पुट राइटिंग है नीचे तक। ओके, 29,000 में 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 28,500 में 4,84,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ओके, और पुट में क्या है, छोड़ दो। देखो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो बन रहा है। देखिए शॉर्ट की तरफ कन्विक्शन कम हो रहा है कल के लिए, एकदम शॉर्ट नहीं जम रहा है, लेकिन हम एक चांस लेंगे। वो चांस कैसा रहेगा, 29,200 के पास में अभी हम हैं, तो हम किस तरह से चांस लेंगे। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर 29,500 इस लेवल के आसपास आता है, 29,000, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना है। नीचे से 29,200 से 29,500 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट का चांस लेंगे। ओके, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा इस लेवल के आसपास 29,500 के आसपास अगर आता है, या 490, 480, 470 वो भी पकड़ सकते हैं आप। और जो मेरा जो टारगेट रहेगा उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा ये 29,000 वाला, 29,000 का ये मेरा टारगेट रहेगा पहला। और दूसरा रहेगा ये 28,500, ये मेरा टारगेट रहेगा 28,500, 29,000 एंड 28,500। लेकिन ये लेवल से पहले मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं शॉर्ट करता हूँ, देखिए अगर मैं शॉर्ट भी करता हूँ तो उसके साथ हेजिंग जरूर कर लूँगा, मैं अपनी पोजीशन को हैज कर लूँगा, जिससे मेरा रिस्क जो है क्या है, मेरा रिस्क जो है वो हो जाएगा क्या, मिनिमाइज, कम रिस्क रहेगा। मेरे को 2-4 हज़ार का लॉस होता है, अगर मेरे को 2,000-4,000 के लॉस के सामने अच्छा खासा मैं प्रॉफिट अगर लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज का ये एक बेनिफिट रहता है बस, सही है। तो यही समझ में आ रहा है अभी तक तो फिलहाल के लिए। लेकिन उतना मेरा जो निफ्टी में कन्विक्सन है शॉर्ट का वो बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझ सकते हैं कि थोड़ा ऊपर की तरफ मिलता है तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना है। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें जरूर जुड़िएगा, जिसके लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जुड़ने के बाद। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी जुड़ने के बाद आप यहाँ पर भी आप सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया। धन्यवाद।